आदित्य ब्लॉग्स विद अनदर एपिसोड। और इस टाइम भी का सीन ये है कि इस टाइम सुबह बज रहे 7:30 और इस टाइम हम लोग 80 घाट पे, और जैसा कि इस टाइम तो 80 घाट पे कुछ दिनों पहले बाढ़ आया था, पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था, एकदम 17 के निशान से ऊपर हो गया था। तो इस टाइम आए हम लोग, उसका भी ब्लॉग बनाया था लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी 6-7 दिन बाद आए, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक पानी पहुँचा है, क्या कंडीशन है पानी का, घाटों का क्या कंडीशन है पानी कम होने के बाद, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। ये देखिए सामने होटल बनारस हवेली है, और पहले यहाँ होटल बनारस हवेली तक पानी आ चुका था, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग मेरा देखा हो तो उसमें आप लोगों को पता होगा ये चीज़ दिखाए थे। ये जो सामने होटल टेम्पल ऑन गंगाज है सामने, ये पूरा एकदम जलमग्न हो चुका था पानी में, और ये सब शॉप भी नहीं खुल रहे थे। फिर उसके बाद अब तो खुल गया, सुबह सुबह नाश्ता मिल रहा है, छोला भटूरा, छोला चावल। चलिए चलते हैं अंदर तक, अभी तक तो यहाँ पे पानी नहीं है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ से टर्न लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी हो गया पूरा पानी कम होने के बाद। और एक ये भी रास्ता है 80 घाट के अंदर जाने के लिए, और एक इधर से भी रास्ता है, तो हम लोग जाएंगे इस रास्ते से। पानी तो काफ़ी कम हो चुका है लग रहा है, क्योंकि वहाँ तक था अब जाके यहाँ तक आ गए, यहाँ तक भी नहीं है। और ये सब जो पूरा एरिया ये सब पूरा डूब चुका था, तो काफ़ी कंडीशन सही लग रहा है। और ये ग्रीन गंगा कैफे रेस्टोरेंट थे बनारसी बाटी चौखा रेस्टोरेंट, ये पूरा जलमग्न हो चुका था। और ये है कुछ 80 घाट का मेन एंट्रेंस गेट है, ये यहाँ से देखिए यहाँ पूरा एकदम पानी कम होने के बाद मिट्टी मिट्टी हो चुका है। और इस जो सुबह बनारस का मंच है ये तो पूरा पूरा डूब गया था। और ये देखिए काफ़ी मतलब मिट्टी हो गया है, कीचड़ हो गया है पूरा पानी कम होने के बाद, और इसने बारिश का भी टाइम है ना, बारिश भी हो रहा है, तो इस वजह से ये सुबह है बनारस का मंच है, यहाँ पे आरती उरती होता है शाम को। और यहाँ पे सामने जैसे कि देख सकते हैं जो पूरी मिट्टी आई थी उसको पानी से हटाया जा रहा है। और वहाँ पे देखिए कुछ पूजा वूजा हो रही है, काफ़ी लोग अंदर बैठे हैं। ये सामने 80 घाट फूड स्ट्रीट हाइजेनिक फूड एट घाट्स, ये तो यहाँ तो पूरा कीचड़ हो गया है, पैर भी स्लिप हो रहा है। ये पानी
गंगा जी में से आ रहा है जनरेटर लगा के, और फिर यही पानी से लोग इस मिट्टी को काट रहे हैं, फिर यही मिट्टी चला जाएगा अंदर। और इस टाइम अस्सी घाट पे पहले की तरफ जो सुबह सुबह भीड़ होती थी लोगों की टहलने की, घूमने की, फिरने की, वो इस टाइम की भीड़ नहीं दिख रही है, क्योंकि बाढ़ आया था, पानी लेवल हाई था, और इस टाइम तो बहुत कीचड़ भी है, देख सकते हैं भैया पूरा, इसलिए लोग ज़्यादातर लोग तो नहीं आए इस टाइम, नहीं तो पहले तो बहुत ही भीड़ हुआ करती थी, लोग आते थे यहाँ पे। और यहाँ पे ये पेड़ गिर गया, देख सकते हैं टूट के। उधर वहाँ पे घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, कुछ पूजा वूजा हो रहा होगा, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। और यहाँ पे अस्सी घाट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। स्क्रीन शॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। और जैसा कि जो अस्सी घाट में बोटें चला करती थी नाव, वो सब अभी तक तो फिलहाल बंद है, अभी तक ओपन नहीं है, क्योंकि पानी का लेवल कम हुआ, तब भी अभी सब देखने लाइन से खड़ी हैं अभी। देखिए कब तक शुरू होता है। अस्सी घाट को पूरा देखिए हाल, मिट्टी मिट्टी, गंदगी पूरा हो चुका है। देखिए कब तक सही होता है पूरी चीजें। ये है प्राचीन हनुमान मंदिर। ये है मेन अस्सी घाट, और इसके आगे तो अब जा नहीं सकते हैं, बस यहीं तक। जो आगे भी बहुत सारे लाइन से घाट उठे हैं, पूरा पैदल पैदल 10 अश्वमेध तक चले जाएंगे। इसके आगे वीडियो एक हफ्ते में जब ये सब अच्छा हो जाएगा, मिट्टी उट्टी पूरी गाड़ जाएगी, तब वीडियो आ जाएगी इसकी भी पूरा। एक दो हफ्ता वेट कीजिए तब तक। बस यही सुबह सुबह टाइम में जब मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि फाइनली अब हल्की हल्की धूप निकल चुकी है, देख सकते हैं सनराइज़ हो चुका है। और अस्सी घाट पे सुबह सुबह सनराइज़ होना तो एक अलग ही व्यू आता है, काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। और सब देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं घूमने फिरने, मौज मस्ती करने। और यहाँ अस्सी घाट की फेमस आपको सुबह सुबह चाय भी मिल जाएगी, यहाँ पे सुबह सुबह योगा होता है। और यहाँ पे ये जो मंच है, यहाँ पे सुबह सुबह योगा होगा होता है पूरा, लेकिन इस टाइम तो कुछ नहीं हो रहा है। घाट पे एक चीज़ और बदलाव किया गया इस टाइम फिलहाल में, ये सामने जो देख रहे हैं वो LED स्क्रीन लगाई गई है, ताकि जो भी लोग आए अस्सी घाट घूमने यहीं से उस LED स्क्रीन पर अस्सी घाट की आरती देख सकें, और काशी विश्वनाथ टेम्पल में जो पूजा होती है उसका देख सकें, और बहुत सारे सारे जगह जो हैं बनारस में सभी जगह की देख सके। इसलिए यहाँ पे LED स्क्रीन लगाया गया है, जो कि अभी तो फाइनली बंद है। तो सो गाइस, कुछ यही नज़ारा है अस्सी घाट का सुबह सुबह का। अभी तो 7:30 या 8 बज रहे होंगे, और धूप धूप नहीं है, मौसम अच्छा है, लेकिन इतनी मिट्टी है, घूम ही नहीं पा रहे हैं अस्सी घाट पे, तो सब बेकार ही है एक तरह से। ठीक हो जाएगा काफ़ हफ्ते में, आई थिंक लग रहा है। पिज्जा वाटिका कैफे भी बैक साइड में देख सकते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपने देखा अस्सी घाट का पानी कम हो गया तो क्या स्थिति है इस टाइम की, और फिर तो आगे पता ही चलता ही रहेगा क्या है क्या नहीं है, अब तक पहुंचाते रहेंगे। तो सो गाइस ब्लॉग को करते हैं अभी यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा था, कैसा लगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पी आर ई डबल एस प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये अपना फ्रेंड है थोड़ा, इसको भी देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे रील उल बनाता है। तो सो गाइस करते हैं ब्लॉग को एंड, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, टेक केयर।